नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे शख्स ने दो मासूम बेटियों के साथ जहर खाकर की जान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बाप ने अपनी दो बेटियों के साथ जहर खाकर जान दे दी। इस खुदकुशी की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। मृतक सोमनाथ प्रयागराज के गुरपुर थाना क्षेत्र के कंजासा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जब सोमनाथ अपनी 16 वर्षीय बेटी तनिष्का और 8 वर्षीय बेटी साक्षी के साथ आत्महत्या की तो उस वक्त उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। घर पर सोमनाथ अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ घर पर मौजूद था। तभी आर्थिक तंगी से तंग आकर शरबत में जहर मिलाकर अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे वो खुद पी लिया। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही हुआ, उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ लेकिन दो बेटी और बाप की मौके पर ही मौत हो गई। जब इस घटना की जानकारी घर के सदस्यों को लगी तो घर में कोहराम मच गया। इस घटना की जानकारी घर वालों ने भूतपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद से गांव के सभी लोग हैरान हैं कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया, उसे यह कदम उठाने पर आखिर किसने मजबूर किया। इस सभी तत्वों पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो घटना घटी है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे, इनके बारे में दो पुरानी जो विवाद था, दो पुरानी के विवाद से जो है अभी जो है 15 दिन पहले से जो है जयपुर से आए हैं। औरत यही थी और जो है कहती विवाद से जो है ऐसा कांड हुआ है। अब इनका अंदरूनी विवाद क्या था दो पुरानी के, तो भाई उन्हीं बता सकते हैं। कैसे क्या हुआ कि ये मतलब एक्सपायर कर गए? अब एक्सपायर हो गए जो है, अब 15 दिन जयपुर से आए, उसके बाद यहाँ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है जहर वहर पी लिए, बच्चे को भी पिया दिए और जो है कहते जो बच्चिया और आप ख़त्म हो गए। औरत जो है आप कौन है इनके? अरे, हम पड़ोसी में चाचा लगते हैं। अच्छा, नाम है आपका क्या? शंकर दास। सर, ये किस तरह की घटना है जो दुखद घटना हुई है? आज तंजासा गांव के में जो गोरपुर का एक गाँव है उसमें एक व्यक्ति और उसकी दो पुत्रियों की दुखद मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टिया जो बात आई है, इसमें पत्नी में कुछ विवाद रहता था, आज भी किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था और पति ने स्वयं जहर खाया और उसके बाद अपनी दो पुत्रियों को भी कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया है और जिससे तीनों की मृत्यु हो गई और तीनों का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इस प्रकरण और गहराई से हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आगे जो भी तथ्य है आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, घटना थी भाई आपके घर में? सोमनाथ मेरा बड़ा भाई था, मैं अपने कमरे में सो रहा, वो शरबत बना के दोनों बेटियों को पिलाया, बच्चा उनको पिलाया, कुछ किया। तो मेरी भाभी जब शोर शराबा हुई आई मेरे कमरे में आई, मैं गया तो वह चेत पड़े थे तो वहाँ आपके किया सीधा। तो बच्चियों कितने साल की थी? एक 16 साल की थी, 8 साल की। अच्छा, दोनों एक्सपायर करके और पिता भी साथ में? किसी के ऊपर कोई शक नहीं है अभी आपको? आपका नाम भाई? यहाँ घटना किस तरीके से थी भाई? घटना यहाँ इस तरीके से हुई कि यहाँ पे ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और इनकी जो है सयान लड़की भी हो गई थी। इनको आए दिन जो है पैसे की वजह से पति पत्नी में परिवार में विवाद चलता है। मतलब किसी तरह से मान लो जैसे समूह मुँह ले लिए या पैसे के कुल कमी, खासतौर से पैसे से रोजगार न चलने कारण आदमी जो है एकदम तंग आ गया और मजबूरी में जो है ये अपना जैसे भी कदम उठाया है, सामने घटना आ गई।